10:09:64 का प्रातः क्लास चल रहा था। गुरुवार 30वें पेज के बाद में बात चल रही थी, मेरे को तो अपना शरीर नहीं है, इसलिए मुझे कहते ही है निराकारी। बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है, किसको समझाना हो तो उनको बोलो, कि तुमको मालूम है, तुमको कितने बाप हैं, बोलो तुमको दो बाप हैं, कोई अज्ञानी को कहेंगे तुमको दो बाप हैं तो नाराज नहीं हो जाएगा है? क्या हम दोगले हैं? फिर फट से बोलो, एक तुम्हारे शरीर का बाप और एक है तुम्हारी आत्मा का बाप, उसमें भी शरीर के बाप जन्म बाई जन्म बदलते रहते हैं। वो है हद के बाप और मनुष्य सृष्टि का एक बाप है बेहद का बाप। जिसको अंग्रेज लोग, मुसलमान लोग, हिंदू, जैनी सभी मानते हैं, उनके नाम देते हैं आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ। ये हुआ एक बेहद का बाप और दूसरा बेहद का बाप है आत्माओं का बाप। वो आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप, दोनों बेहद के बाप तुम्हारे भी बाप हैं और तुम्हारे शरीर को जन्म देने वाले बाप के भी बाप हैं। दोनों बेहद के बाप हैं, क्योंकि जन्म बाई जन्म तुम्हारे बाप तो चलते ही आते हैं। जो शरीर को जन्म देने वाले हैं और वो शरीर को जन्म देने वाले बाप जो जन्म बाई जन्म बदलते आए हैं, वो सभी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। कौन से बेहद के बाप को है? बेहद के दो बाप बताए, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप, या कहो मनुष्य सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो देखो, वो जन्म बाई जन्म जो बाप बदलते आए हैं, वो हर जन्म में एक बाप है। फिर अनेक जन्मों में अनेक बाप हो गए, परंतु बेहद का बाप हर जन्म में एक ही है। बच्चों को तो ये बुद्धि के अंदर बैठना चाहिए
कि फिर भी एक भूल जाए तो भला टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो भला सदगुरु तो याद पड़े ना। किसको भी तो याद करना चाहिए। तो देखो जो एक बेहद का बाप है जिसे तुम जन्म बाई जन्म याद करते आए हो, वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो याद करने के लिए तुमको तीन रूप हैं। ऐसे तो रूप एक ही है, परंतु एक ही बेहद का बाप तीन काम करते हैं। बाप बाप भी है, बीजारोपण करने वाला, उत्तराधिकार देने वाला, टीचर भी है और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। बाप खुद भी कहते हैं, तुम सब जानते भी हो, अच्छी तरह से समझाते हैं, बाप जरूर है और पतित पावन भी जरूर है। क्या? क्योंकि समझाओ कि भारत जब पावन था अभी तो कहेंगे पतित जरूर है, पावन था जब पावन था तो सिर्फ पावन था। अभी विचार करो कितनी जो आत्माएं हैं वो कहां निवास करती होंगी। मुक्ति धाम में, निर्वाण धाम में, या उनको वानप्रस्थ भी कह सकते हैं। वाणी से परे का स्थान, जहां वाणी होती ही नहीं, नो आवाज, क्योंकि यहां जो मनुष्य बुद्धि होते हैं तो उनकी अवस्था को वानप्रस्थ कहा जाता है कि वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं। कि वो गुरु फिर हमको निर्वाण धाम में पहुंचावे। गुरु को पहुंचाना होता है ना, परंतु वो तो कोई सदगुरु नहीं है। जो भी देहधारी मनुष्य गुरु है वो कोई सदगुरु है ही नहीं, और वो तो अनेकानेक गुरु हैं, और ये सदगुरु ये तो एक ही है। गाते भी है एक सदगुरु निराकार, निराकार ओंकार। तो जब एक सदगुरु है तो बाकी गुरु क्या हुए? सत माने सच्चा,
एक सदगुरु है तो बाकी सात झूठे गुरु। वो निर्वाण धाम में पहुंचाए सकते भी नहीं, खुद भी निर्वाण धाम में नहीं जा सकते, क्योंकि झाड़ को तो बढ़ना ही है ना। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आबादी बीच में कभी कम नहीं होती है, पास्ट के मुकाबले भविष्य में पॉपुलेशन तो बढ़ती जाती है ना। तो निर्वाण धाम में तो कोई जाते ही नहीं है, झूठ बोलते रहते हैं, बुद्ध पार निर्वाण गया, फलाना गुरु पार निर्वाण गया। अरे इस सृष्टि में तो हर आत्मा को अपना सतो रजो तमो का पार्ट बजाना ही बजाना है। कोई भी आत्मा इन प्रकृति जन्य पांच गुणों से पसार हुए बगैर बीच में वापस जा ही नहीं सकती। कौन सी आत्मा? जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, सबको चार अवस्थाओं से पसार होना है। एक ही बेहद का बाप है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है और वो चार अवस्थाओं से पसार भी नहीं होता है। बच्चों को समझाया गया है कि बच्चे मुख्य पार्ट है तुम भारतवासियों का, जो आदि से अंत तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भारत में वास करते हो। कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो करके विदेशों में जाकर के नहीं बसते। इसलिए तुम पक्के पक्के भारतवासी हो। तो बताओ इस सृष्टि पर मुख्य पार्ट कौन से देशवासियों का है? किसका पार्ट है? भारतवासियों का। भारतवासी जो तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। एक जन्म भी कम नहीं। क्योंकि गाया भी तो जाता है ना। क्या बहुकाल? किसका बहुकाल है? इस्लामियों का, चंद्रवंशियों का? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, या तो कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं है? कौन सी आत्माएं? भारतवासी आत्माएं।
और परमात्मा, ये जितने एक दूसरे से अलग रहे, जितना लंबे समय तक ये अलग रहे, उतना और कोई धर्मवासी देशवासी अलग नहीं रहते। अभी हिसाब करना चाहिए ना, कहे का है बहुकाल का हिसाब करो। जो बहुत काल अलग रहे वो कितना काल होगा है? पूरे 5,000 वर्ष, 2,500 वर्ष, 2,500 वर्ष। तो इस्लाम धर्म का जो मुखिया है इब्राहिम भी दूर रहा बाप से, क्योंकि 2,500 वर्ष पहले ही तो परमधाम से आया ना। बाप के घर से कब आया? आज से 2,500 वर्ष पहले आया, तो कितना वर्ष दूर रहा? 2,500 वर्ष। वो सबसे ज्यादा दूर रहा, उसका बहुत काल कहे, किसका कहे? चंद्रवंशियों का कहे। अच्छा, जो सतयुग में जन्म लेते हैं उनका कहे? क्यों? जो सतयुग में जन्म लेते हैं वो बहुत काल दूर नहीं रहे हैं? हाँ, उनका भी एक जन्म का फर्क पड़ता है। कौन सा एक जन्म? मान लो सतयुग की पहली आत्मा है कौन? कृष्ण 16 कला संपूर्ण, तो कितना काल दूर रहती है? हैं? 50 वर्ष कम। वो परमपिता परमात्मा से कितना काल दूर रही? अरे एक जन्म ही दूर रही। पूरा एक जन्म का दूर रही। अरे ये भी कोई मुश्किल बात है, है? अरे कृष्ण की आत्मा कहो, ब्रह्मा की आत्मा कहो, परमपिता परमात्मा के प्रैक्टिकल पार्ट से कितना दूर रही? बताया ना, 50 वर्ष दूर रही। ये पिछले कल्प की बात हुई, अभी इस कल्प में है? अभी भी दूर है या नहीं है? अभी भी कहेंगे कि परमपिता परमात्मा के प्रैक्टिकल पार्ट से अभी भी दूर है। 50 वर्ष पूरे होंगे, कब पूरे होंगे? कब से लेकर कब तक? 68 से लेकर के 50 वर्ष ऐड किए, तो कौन सा वर्ष आएगा? 2017 नहीं आएगा? तो 50 वर्ष वो भी दूर रहती है। उसके लिए कहें कि कृष्ण की आत्मा परमपिता परमात्मा से अलग रही बहु काल है? नहीं कहें। क्यों नहीं कहें? वो तो सतयुग की आदि में आती है, सारी सृष्टि का पहला पत्ता है, तो क्यों ना कहें? इसलिए नहीं कहें कि यज्ञ के आदि में ही उस आत्मा ने परमपिता परमात्मा के पार्ट को पहचाना नहीं, फिर साथ में रही तो
प्रैक्टिकल पार्ट में साथ में रही या न रही? रही तो ये तो नहीं रहेंगे कि अलग रही, बल पहचाना नहीं लेकिन अलग तो नहीं थी आदि में। तो अभी हिसाब करना चाहिए बहुकाल का, और ये हिसाब करना सहज है ना? किसके लिए? दुनिया वालों के लिए, बेसिक ब्राह्मणों के लिए सहज है, हैं? उनके लिए भी सहज नहीं क्यों? उनके लिए सहज क्यों नहीं हैं? हाँ, वो बाप का प्रैक्टिकल पार्ट कहाँ है इस बात को जानते ही नहीं, उनके लिए भी सहज नहीं। तुम्हारे लिए तो सहज है, बहुत काल माना जो इस सृष्टि पर पहले पहले पार्ट बजाने वाले आए, जिनको अंत तक पार्ट बजाना है। वो ही तो 84 जन्म लेने वाले हैं, पूरे 84 जन्म। चौरासी का चक्कर कहा जाता है ना? नहीं तो 84 जन्म किसको कहें? तो मैक्सिमम समझाया गया है कि बरोबर 84 जन्म, ये 84 का चक्कर कहा जाता है। ऐसे कभी नहीं कहते हैं कि 84 लाख का चक्कर है। बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं अनेक जन्म कोई लेते हैं तो क्या कहते हैं? 84 लाख का चक्कर कहते हैं। भक्ति मार्ग में 84 लाख का चक्कर कहते हैं? नहीं कहते। क्या कहते हैं? 84 का चक्कर। चौरासी लाख का चक्कर कभी नहीं कहते, भक्ति मार्ग में भी नहीं कहते। समझते हैं क्या के मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद फिर मनुष्य का जन्म लेती है, लेकिन बोलचाल की भाषा में 84 लाख का चक्कर नहीं कहते। तो तुम बच्चों को 84 का चक्कर तो समझाया, क्योंकि तुम ये चक्कर आगे तो नहीं जानते थे। जानते थे कि सतयुग में कितने जन्म लिए, त्रेता में कितने लिए, द्वापर में कितने लिए, कलयुग में कितने लिए? देखो बाप पूछते हैं, तुम आगे जानते थे? मम्मा से भी पूछे, मम्मा आगे जानती थी 84 का चक्कर कैसे होता है? अच्छा इनसे कैसे पूछे? इनसे पूछा तो जैसे इनसे भी पूछा, क्योंकि इनकी आत्मा भी सुनती तो है ना। तो ये दो आत्माओं का भी समझना चाहिए बच्चों को कि बरोबर दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है। जबकि अशुद्ध आत्मा का कोई शुद्ध आत्मा में प्रवेश हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? कौन? जो सदा सर्वदा शुद्ध है वो क्यों नहीं प्रवेश कर सकता? कौन है? ब्रह्मा सदा सर्वदा शुद्ध है, शिव बाप। बाप तो खुद आकर के कहते हैं, मैं कैसे तुम बच्चों को राजयोग सिखलाऊं? कैसे सिखलाऊं?
हैं? अरे भूत प्रेत भी प्रवेश करते हैं तो अपना पार्ट बजाते हैं, मैं कैसे आकर राजयोग सीख लूं? अरे प्रवेश करके सीख लूं, जरूर मुझे दान चाहिए ना। काहे का दान चाहिए? हैं? हैं? जो सदा सर्वदा की शुद्ध आत्मा है, एवर प्योर आत्मा है, उसको काहे का दान चाहिए? हैं? प्योर को प्योर चाहिए। पांच विकारों का दान लेने के लिए पहले क्या चाहिए? उसको अपना शरीर तो है नहीं। ज्ञान का सागर मुझे कहते हो ना, सत्य को स्थापन करने वाला भी कोई मनुष्य तो नहीं होगा, है? सत्ता युग को स्थापन करने वाला कोई सदा सत्य ही होगा, है सी भी सत्य हो सी भी सत्य, तीनों कालों के लिए कहते हैं सत्य। तो मनुष्य होता है तीनों कालों में सत्य है? सत्य होता है कि झूठ हो जाता है? जब तमो प्रधान बनते हैं तो सब मनुष्य झूठे हो जाते हैं। तो सतयुग स्थापन करने वाला कोई मनुष्य तो नहीं हो सकता, फिर कौन हो सकता है? नहीं हो सकता। उसको तो कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। क्या कहते हैं? हेवनली गॉड फादर। नारकीय बाप कहते हैं क्या? हैं? कि तू ही नरक स्थापन करने वाला है, तू ही स्वर्ग स्थापन करने वाला है, तू ही जन्नत स्थापन करने वाला है, तू ही दोजख स्थापन करने वाला है। मुसलमान लोग ऐसे कहते हैं क्या? अल्लाह मियां ने जन्नत बनाई, ये तो कहते हैं। ये कहते हैं कि अल्लाह मियां ने दोजख बनाई? कहते हैं? नहीं कहते? अंग्रेजी में भी कहते हैं आई हैव हेवनली गॉड फादर। तुम भी वैकुंठ को ऐसे याद करते हो? तो वो वैकुंठ का मालिक तो जरूर है। कौन? वो वैकुंठ का मालिक बनता है? हैं? वो जो वैकुंठ बनाने वाला है, वो वैकुंठ का मालिक भी बनाता है किसी को। किसको? राधे कृष्ण को। सो भी तो राजधानी है, यानी एक तो नहीं है ना। राजधानी एक से चलती है क्या? हैं? दो से चलती है? हैं? राजधानी में तो राजा रानी भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, साहूकार भी चाहिए, राज्य संचालन करने वाले सेवादारी भी चाहिए, राज्याधिकारी नहीं चाहिए? राजा हो, राज्याधिकारी कोई हो नहीं तो राजा ही चलेगी? नहीं। तो एक से तो राजा ही नहीं चलती है। जब मनुष्य वैकुंठ कहते हैं तो श्री कृष्ण की राजधानी आ जाती है। गाते हैं बरोबर कि ठीक है, श्री कृष्ण का नाम रखना चाहिए क्योंकि वो पहले नंबर का प्रिंस है और उस समय में सतो प्रधान है। तो हमेशा जो सतो प्रधान होते हैं उनको कहा जाता है यूं ही महात्मा। फिर भी तो युगल हो जाते हैं ना बाद में। जैसे यहां अकेले है तो कुमारी है,
शादी किया तो अदर कुमारी, 10/9/64 की वाणी का चौथा पेज। तो अदर कुमारी से कुमारी का मान ऊंचा तो है ना, भले राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद पवित्र रहते हैं, हैं? फिर जब पवित्र रहते हैं तो दोनों का मान बराबर होना चाहिए या कम जास्ती होना चाहिए? कुमारी जैसा मान होना चाहिए, कुमार अवस्था जैसा मान होना चाहिए जब शादी हो गई तब, है? क्यों? सतयुग में या संगम युग में भी जो राधे कृष्ण है जिनका भक्ति मार्ग में गायन होता है, जिनकी यादगार मंदिर बनते हैं, बनते हैं ना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते हैं ना, तो कौन से लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते हैं? संगम युगी नरसिंह नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते हैं, राधे कृष्ण के मंदिर बनते हैं। तो राधे कृष्ण जब स्वयंवर के बाद शादी करते हैं कहां की बात है? संगम की ही बात है। कृष्ण सूर्यवंशी, राधे चंद्रवंशी। तो जब उनकी शादी हो जाती है तो अदर कुमारी, अदर कुमारी ही कहे जाएंगे ना, भले स्वयंवर के बाद पवित्र रहते हैं, फिर भी तो युगल हो गए ना, है? युगल हो गए कि अकेले हुए? युगल होने से मान क्यों कम हो गया? पवित्र तो है, हैं? अरे मान कम क्यों कम हो जाना चाहिए, है? बुद्धि साकार में, भाव समान बन जाते हैं तो बुद्धि साकार साकार में जाती है, माने संगमयुगी कृष्ण की बुद्धि या संगमयुगी राधे की बुद्धि शादी होने के बाद साकारी कृष्ण में जाती है या साकारी राधे में जाती है? दोनों युगल है ना, हैं? हाँ युगल तो है, लेकिन पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र तो है। फिर ग्रेड क्यों गिर गया? हैं? आप समान बन गए तो पाप चले जाते हैं। आप समान बन गए? आप समान बन गए फिर? आप समान माने? बाप समान बन गए निराकार। हाँ बाप समान बन गए निराकार, फिर क्या हुआ? अरे निराकारी बाप, निराकारी बाप साकारी हो गया। क्या हुआ जो उनका ग्रेड कम हो गया? युगल बनने से ग्रेड कम हो जाता है। युगल बनने से ग्रेड कम हो जाता है, क्यों भाई? कारण तो बताओ, हैं? क्या होता है? दृष्टि का दोष हो जाता है। कहाँ? सतयुग के कृष्ण का या संगमयुग के कृष्ण का? स्रोत सतयुग के कृष्ण का दोष हो जाता होगा, क्योंकि सतयुग में जो बच्चों की पैदाइश है
वो ज्ञान इंद्रियों में जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, आंखें, उनके क्षरण से होता है। तो फिर भी कह सकते हैं कि भाई आंखों से कुछ न कुछ कलाएं कम होती जाती हैं, तो कलाएं कम होने से ग्रेड गिर जाता है शादी होने के बाद। यहां कौन से युग की बातें हैं? यहां तो संगम युग की बातें हैं। यहां जहां संगम युग की बात है वहां आंखों का क्षरण होता है। अरे लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण को तो एक दूसरे को देखते हुए दिखाया है। ज्ञान इंद्रियां हैं, भले श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, वो भी एक दूसरे से चिपक रही हैं। तो चलो मान लिया कि इंद्रियों का क्षरण हो रहा है, उससे संतान पैदा होती है, तो ग्रेड गिर गया होगा। संगम युग में क्यों? यहां संगम युग की बात हो रही है, वैकुंठ की या सतयुग की बात हो रही है? बुद्धियोग बढ़ जाता है। माना कैसे बढ़ जाता है? कोई दूसरे में चला जाता है, है? दो में चला जाता है, हाँ, जो वाइब्रेशन है, बुद्धि की शक्ति है। भाई कृष्ण जैसा बच्चा पैदा होना है कि नहीं? सतयुग में, सतयुग में कृष्ण जैसा बच्चा पैदा होगा, तो उस बच्चे को पैदा होने में कुछ टाइम लगेगा या वाइब्रेशन लगने से ही तुरंत पैदा हो जाएगा? टाइम तो लगेगा। तो जो लंबा टाइम है वो लंबे टाइम में कुछ न कुछ है बुद्धि योग क्षरित होता है। जो शिव ज्योति बिंदु की याद है उस याद में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हैं? फर्क पड़ेगा। तो फर्क पड़ जाने से क्या होता है? हैं? बुद्धि योग बट जाता है। तो युगल हो गए तो ग्रेड कम हो गया, क्योंकि बुद्धि योग वाइब्रेशन से, चलो दृष्टि से न सही, क्योंकि दृष्टि भी तो पांच तत्वों का अंग है, नहीं है? दृष्टि तो पांच तत्वों का अंग है, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ये पांच तत्वों से ही तो है, बनती है कि बिना पांच तत्व के बन जाती है? पांच तत्व, लेकिन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन पांच तत्वों से तैयार होता है? नहीं, पांच तत्वों से वाइब्रेशन तैयार नहीं होता है। लेकिन जो भी वाइब्रेशन योग का है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उसमें दो की याद करने से खलल तो पड़ेगा, है? कुछ बुद्धि योग बटेगा या नहीं बटेगा? बटेगा। तो कहा कुमार कुमारी है तो मान ऊंचा, और अदर कुमार कुमारी हो गए तो ग्रेड नीचे गिरता है। फिर भी कहेंगे तो सही ना कि वो भी अधर हो गए, क्या यानी युगल हो गए, फिर कुमार का नाम बदल जाता है, क्या हो जाता है? हाँ, नाम क्या हो जाता है? अधर कुमार तो बताया कि वो एक एज है, स्थिति है, टाइटल है, नारायण नाम हो जाता है। कुमारी का नाम बदल जाता है, कुमार का नाम भी बदल जाता है। पीछे तो माता और पिता बन जाते हैं, क्या लक्ष्मी को क्या कहेंगे? कुमारी, माता ही तो कहेंगे। और नारायण को है? नारायण की जो प्रजा है उनको अपने पिता समान मानेगी।
जब ये आपस में मिलते हैं तो जैसे माता पिता बन जाते हैं। मिलते हैं कैसे मिलते हैं है? क्या शायर शरीर से मिलते हैं, शरीर की इंद्रियों से मिलते हैं? नहीं, जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है उसमें संगमयुगी लक्ष्मी नारायण भी खड़े हैं, जिनको कहां दिखाया है, हैं? प्रकाश युक्त दुनिया में दिखाया है। और राधा कृष्ण भी खड़े हैं, उनको नीचे राधा कृष्ण खड़े हैं, राधा कृष्ण तो बाद में ही पैदा होंगे, उनको कहां दिखाया है, हैं? प्रकृतिकृत दुनिया में दिखाया है, प्राकृतिक दुनिया में दिखाया है, या ईश्वरीय योगयुक्त वाइब्रेशन की दुनिया में दिखाया है? प्रकृतिकृत वाइब्रेशन में दिखाया गया है। तो प्रकृति से मिली हुई जो आंखें हैं, उन आंखों से एक दूसरे को देखने के कारण उनकी कलाएं कम होती हैं, और संगमयुगी लक्ष्मी नारायण की कलाएं कम नहीं होती हैं। बच्चा पैदा होगा तब उनको माता पिता कहेगा, यूं भी शादी के बाद तो जरूर ये समझना चाहिए कि जरूर बरोबर ये पिता है ये माता है। जब दो होंगे तो कोई भी बोलेंगे कि ये माता है ये पिता है, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि जरूर इनको कोई संतान भी होगी या होने वाली होगी, है? जरूर जरूर संतान भी होगी या होने वाली होगी, ये कोई जरूरी है? हर माता पिता को संतान हो ही जाए, होती है, है? जरूरी नहीं। अरे ये तो कलयुग की बातें हैं कि स्त्री बांझ हो जाती है, पिता नपुंसक हो जाता है। सत्युग में भी ऐसे होता होगा? नहीं, वहां तो सात्विक स्टेज है, ये तामसी स्टेज वहां नहीं होती। तो बच्चा तो अंडरस्टूड है कि माता पिता हैं, तो बच्चा जरूर शादी के बाद हो गए। तो माता पिता है ना, पीछे कुमार या कुमारी तो नहीं कहेंगे, वर्जिन तो नहीं कहेंगे। इसलिए ये कृष्णपुरी और अभी कंसपुरी, है भी बरोबर ना, कंस कहा जाता है आसुरी संप्रदाय को और कृष्ण कहा जाता है दैवी संप्रदाय को। तो एक कंस और एक कृष्ण तो नहीं होगा ना, है? सत्युग में कृष्ण एक ही होगा क्या? वंशावली में और कृष्ण जैसे बच्चे पैदा नहीं होंगे? कंस संप्रदाय फिर वो श्री कृष्ण संप्रदाय, बरोबर उनकी राजाई होगी। फिर ये कंस तो इनकी भी राजाई है, किसके लिए बोला कंस है? फिर ये कंस क्या बोला है? कंस की दुनिया फिर बाद में होती है कृष्ण की दुनिया, कंस ही क्या बनता है, कृष्ण बनता है। फिर ये कंस कौन है?
किसकी तरफ इशारा किया? फिर ये कंस है, है? ब्रह्मा बाबा के लिए जोर से बोलो आ जाए इसमें, कहाँ गया, नहीं आता है। फिर ये कंस है, इनकी भी राजाई है, है? राजाई है कि नहीं? उस समय 64 में इनकी भी राजाई है। अभी रावण की राजाई है क्या? अभी रावण की राजाई, राजाई में कौन कौन रहते हैं? फिर देखो नाम रख दिया है, अकासुर, बकासुर, कंसी, जरासिंधी, शिशुपाल, ये नाम किसके साथ रख दिए हैं? अरे अकासुर किसके साथ नाम है? नहीं, अक अघासुर नाम दे दिया, बाबा उसे कहते हैं अकासुर। कृष्ण लीला दिखाते हैं ना, कंस कृष्ण को मारने के लिए असुरों को भेजता है, उन असुरों में एक का नाम है अघासुर। अकासुर बकासुर, बक 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 बक, जरा सिंधी, कैसे सिंधी? जरा माने पुराने पुराने सिंधी। शिशुपाल, समझ में तो आया पुराने सिंधी कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, कहीं बाहर की बात है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में जरा सिंधी, बकासुर, अकासुर, शिशुपाल, शिशुपाल कौन है? अरे शिशु माने क्या? छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे दुदुमुहे होते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, हैं? अभी अभी जन्म लिया, अभी अभी दुदुमुहे बच्चे हैं, और उनको उल्टी उल्टी बातें पढ़ा करके, हैं? उनको उल्टी उल्टी बातें पढ़ा करके उनको अपना फॉलोअर बना लिया, बनाते हैं कि नहीं? अपना फॉलोअर बना लेते हैं तो उनका नाम पड़ता है शिशुपाल। बेसिक में ही होते हैं कि एडवांस में भी होते हैं? हैं? बेसिक में ही होते हैं, एडवांस में नहीं होते हैं? हैं? होते हैं, बताना पड़ेगा कौन कौन बताएंगे। शिशु जो है, शिशु बच्चा जो गोद में खेलता है, माँ का दूध पीता है, बेचारा बोल भी नहीं पाता ठीक से ज्ञान की भाषा, तो ऐसा शिशु अपने बाप को जानता है अच्छी तरह से? हैं? बाप को नहीं जानता। वो जो शिशुपाल होते हैं ना, वो अपने को ही साबित करते हैं उसके सामने कि हम ही तुम्हारे बाप हैं, और दूसरा कोई बाप नहीं है। तो ऐसे ऐसे शिशुपाल, फिर नाम दिया मेघनाथ। क्या? काहे का नाद? नाद माने आवाज। नादिया क्या करता है? हैं? नादिया आवाज करता है ना, तो मेघ की तरह नाद करने वाला। मेघ माने बादल की तरह है, गड़गड़ाहट ज्ञान की गजगोर करने वाला। फलाना फलाना बहुत ढेर नाम दे दिए। जब रावण का निकालते हैं तो ये निकालते हैं ना, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इनके पुतले निकालते हैं कि नहीं? क्या क्या नाम निकालते हैं। तो ये बाप आकर के अच्छी तरह से सब समझाते हैं। क्या 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 अच्छी तरह से समझाते हैं? अकासुर कौन है,
बकासुर कौन है, फालतू ज्ञान की बकबक करते रहते हैं, अर्थ अर्थ कुछ भी नहीं। कंसी जरासिंह शिशुपाल मेघनाथ, इनको बाप आकर के अच्छी तरह से समझाते हैं, बताते हैं कि राम और कोई नहीं है, क्या जो रामायण में राम की कहानी बताई है, कथा बताई है, वो राम कथा करने वाला, वो राम कथा प्रैक्टिकल में करने वाला राम कोई और नहीं है, और रावण भी कोई और नहीं है। ये तो बैठ करके खेल बनाया है, जैसे और नाटक बनाते हैं। अभी इस दुनिया में नाटक कितने बनाते हैं, नए नए नाटक बनते रहते हैं, हैं तो कुछ भी नहीं ना। वो बैठ करके खेल बनाते हैं मनुष्य को दिखाने के लिए, है कुछ भी नहीं। वहां जाकर के वो क्या समझते हैं, उनको गाना अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, किनको, नाटक देखने वालों को क्या अच्छा लगता है, है? नाटक नाटकबाजी करते हैं तो उनका डांस अच्छा लगता है, उनके गाना अच्छा लगते हैं। जैसे कोई आख्यानी या नावेल्स पढ़ते हैं और ये उस नावल को देखते हैं, ये नाम रूप देख करके सब, क्योंकि नावल में भी तो नाम रूप होते हैं ना, ना नावल में भी नाम तो होते हैं ना, रूप नहीं होता है। नाटक में नाम भी देते हैं और रूप भी देते हैं, तो ये भी नावल ऐसे बनाए दिया है, क्या रामायण नाटक भी बनाए देते हैं। तो ये हिसाब, तो ये किताब बनाई दी है, इसको किताब कहा जाएगा, किताब नाम तो स्कूल में है। अब इनको किताब भी तो कह न सके, इसलिए इनको शास्त्र कह दिया है। अभी शास्त्र है जरूर, क्या है या नहीं है शास्त्र माने, है शासन करने का जो विधान होता है उसको शास्त्र कहते हैं। तो भक्ति मार्ग में जो भी भक्ति मार्ग के कर्मकांड चल रहे हैं, किस आधार पर चल रहे हैं, शास्त्रों के आधार पर। जैसे कोई राज्य होता है तो राज्य चलता है वहां के संविधान के आधार पर, ऐसे ही भक्ति मार्ग में जो कुछ भी किया कर्म कांड चलते हैं, चाहे हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, सिखों के हों, जो भी चलते हैं किस आधार पर चलते हैं, शास्त्रों के आधार पर। तो शासन करने वाले किताबें हो गई ना, उनका नाम क्या दिया, शास्त्र। तो अभी शास्त्र तो जरूर है, धर्म शास्त्र, जिसने धर्म स्थापन किया उनका शास्त्र। ये तो बच्चे जानते हैं कि हरेक धर्म को आर्य समाजी, चिदाकाशी, राधा स्वामी, हरेक को अपना अपना शास्त्र है। आर्य समाज के शास्त्र का नाम मालूम है, हा? अरे इतने लोग बैठे हुए हैं उनमें से आर्य समाजी कोई नहीं था, वेद नहीं, आर्य समाज अभी पैदा हुआ है और वेद है, मानने की बात नहीं, उनका शास्त्र कौन सा है, बाइबल।
हाँ भाई क्राइस्ट क्रिश्चियंस का बाइबल, क्राइस्ट आया तो बाद में क्या बना उनके वाक्यों का, क्राइस्ट ने जो कुछ बोला उनके महावाक्यों का शास्त्र जो बना उसका नाम बाइबल, क्योंकि जिसने जिसने जो धर्म स्थापन किया उनका शास्त्र बन गया। तो हर एक धर्म को चाहे आर्य समाजी हो या कोई भी मठ पंथ हो उसका अपना अपना शास्त्र होता है। आर्य समाजियों का शास्त्र का किसी को पता नहीं, सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद के द्वारा उनके चेले चपाटों के द्वारा जो किताब तैयार हो गई उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश। तो देखो चिदाकाशी राधा स्वामी हरेक को अपना अपना शास्त्र है। राधा स्वामियों का कौन था जिसने ये मठ स्थापन किया? अरे कोई तो होगा राधा स्वामी पंथ चलाने वाला, और फिर उनमें ये शास्त्र है जो पढ़ते हैं। तुम देखेंगे शास्त्र में हरेक धर्म की पढ़ाई अलग अलग है कि सभी शास्त्रों में एक ही जैसी पढ़ाई है? हैं? अलग अलग पढ़ाई है। हम फलाने राधा स्वामी के धर्म में, हम फलाने मठ पंथ में जाते हैं तो मठ कहेंगे पंथ कहेंगे, क्योंकि समझाया गया है ना कि धर्म तो बड़े बड़े होते हैं। जो बड़ी बड़ी डालियां हैं षष्ठी रूपी वृक्ष की उनका नाम धर्म, और फिर उनमें से जो ट्यूब निकलती है छोटी छोटी उनका नाम मठ पंथ। तो देखो कितने बड़े इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियंस धर्म है, और उनके ग्रंथ हैं। ये अपना धर्म कितना बड़ा, और वो फिर थोड़ा। फिर ये भी तो पता है उनका, क्योंकि उनको आना है, आत्माओं को आकर के फिर से अपना अपना धर्म स्थापन करना है। कोई से पूछो कि तुम्हारा धर्म की स्थापन करने वाला कौन, तो कोई कहेंगे गुरु नानक आया। अच्छा ये तो आया, अब फिर कब आएगा? तो वो बोल देते हैं ज्योति ज्योति में समा गया, अब आने की बात नहीं, ज्योति ज्योति में समाया तो खलास हो गया, नहीं तो आने का है तो कभी आएगा, तो खलास होने की बात ही नहीं। और खलास हो गया तो फिर ये सृष्टि कैसे चक्कर लगाती है? जैसे रामायण में कह दिया कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, हर कल्प में जब भी त्रेता युग होगा तो राम राम के रूप में अवतार लेंगे। भला तुम क्यों उनको याद करते हो? गुरु नानक हो राम हो उनको याद क्यों करते हो? वो तो हो गया ना। कोई आए धर्म स्थापन किया करके खुद भी आया, ये भी जानते नहीं है कि ये तुम बच्चों को समझाया है। खुद गुरु नानक की सोल आई, फिर उनकी जो भी सेंसेस
जो भी उनकी आदमशुमारी के सिख धर्म वाले हैं, बस वो आते रहते हैं। देखो अभी कितने सिख हो गए हैं। अच्छा फिर भी तो हिस्ट्री रिपीट करेंगे ना, तो अच्छा बताओ फिर ये गुरु नानक कब आया? वो तो बेचारे कुछ भी नहीं बता सकेंगे, और तुम बता देंगे अच्छी तरह से हिसाब करके कि भाई 5000 वर्ष का चक्कर है, और इस चक्कर में ये इस समय आया, वो उस समय आया, और गुरु नानक 500 साल पहले आया। अच्छा फिर ये जब आया था फिर तो वो 4500 वर्ष के बाद फिर आएगा? तुम तो ऐसे कह देंगे कि 4500 वर्ष के बाद फिर तुम्हारा वो गुरु नानक आकर के सिख धर्म स्थापन करेगा, क्योंकि हम खुद ही बैठ करके अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो जरूर दूसरे धर्म वाले भी आकर के नंबरवार फिर अपना अपना धर्म स्थापन करेंगे। तो तुम बच्चों को चक्कर का और धर्मों का अच्छी तरह से राज समझ में आ गया है, और तुमको बाप ने समझाया। अच्छा ओम शांति।